तो गाइस यार, आज मैं काफी दिनों बाद नहा रहा था और ये चौप भी नहाएगा। चौप कूद, नीचे नीचे कूद। अरे ना पापा ना, मैं नहीं नहाऊंगा यार। अबे अभी तू कैसे नहीं नहाएगा? ले भाई, अरे गिर गिर। गाइस यार, चौप भी नीचे आ गया, बल्ले बल्ले। अरे कोई बात नहीं, अब तो नहाना पड़ेगा। गाइस यार पानी तो बहुत ठंडा है, पर कोई बात नहीं। लेकिन सिंचन कहाँ गया फेंगे भैया? अबे वो भी नहाएगा, चिंता ना कर। गाइस आज ना काफी दिनों बाद ये चौप ना पानी में डुबकी मार रहा है, और देखो डुबकी मार भी था तो कैसे मार रहा है। गाइस अभी रुको, सिंचन को बुलाता हूँ। अभी तू बाहर आ चौप, ना तू बीमार पड़ जाएगा। अरे हाँ आया आया। गाइस सही मैं डॉग हूँ ना, मैं बीमार पड़ जाऊंगा यार। अरे यार फेंगी क्या कर रही हो? अरे नहा रही हो क्या? मैं भागू क्या यहाँ से? अबे भागेगा ना तो और नहाऊंगा। इधर आ इधर आ। गाइस ये देख रहे हो चौप यहाँ पे झुब्बा हुआ है। एक काम कर, जल्दी तू पानी में अपने आप आ जा, वरना जब मैंने डाला ना तो याद रखियो 1 घंटे तक नहलाऊंगा। अरे ना पापा ना, मैं काम करता हूँ, आपके साथ नहा लेता हूँ यार। गाइस मुझे भी जंप मारना चाहिए। ए डूई, मैं भी नहा रहा हूँ यार। हाँ नहा ले नहा ले। अरे यार कितना ठंडा पानी है, मुझे यार जबरदस्ती क्यों नहा रहे हो यार? अबे अब तो नहाने का मौसम आ गया सिंचन, अब तो नहा। जब से घूम रहा हूँ और फ्रैंकलिन का घर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अरे क्या बताया था उस लड़के ने घर का नंबर? 3671। अरे ये नहीं है यार, ये तो 3679 घर है नंबर। चलो चलो चलता हूँ। गाइस मैं आपको बताऊँ, जो मेरे साथ हो रहा है ना, ऐसा किसी के साथ नहीं होता होगा। चलो चलो। अरे ये भी नहीं है, मैं फ्रैंकलिन को मिलूंगा ना तभी बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ्रैंकलिन और सिंचन ही कर सकते हैं। अरे कहाँ है यार इनका घर? अरे चलो यार यहाँ नहीं है। अरे वो रहा 3671 लिखा था, एक बार जाके देखता हूँ यार। ये लोग मेरी सच में मदद कर दे काश। फ्रैंकलिन फ्रैंक, ओह गिर गया यार, एक तीस में ब्रेक भी नहीं लगता। ये रहा, अरे हाँ ये 3671 घर है। अरे फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन मेरी मदद करो, सुनो फ्रैंकलिन। अरे यार कोई आया है फ्रैंकलिन, देखो यार। अबे भाई साहब मेरे घर के अंदर कौन चिल्ला रहा है, आप कौन हो? अरे सर आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं क्या बताऊँ, मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हो रहा है सर। अबे भाई साहब मैं क्या मदद करूंगा, अभी तो मैं आराम से नहा रहा था। गाइस काफी दिनों बाद तुम रिलैक्स में पड़ा था और ये भैया आ गए, बोलो क्या काम है मेरे से? अरे सर मेरे घर में भूत है। अबे भाई साहब सुबह सुबह हम ही मिले बेवकूफ बनाने के लिए, भूत है। एक काम करो किसी और को बनाओ, मुझे नहीं बना पाओगे। अरे यार ये क्या बात बोल रहे हो अंकल, ये भूत भूत कुछ नहीं होता समझे क्या? अरे बच्चे मेरे को भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मेरे घर में भूत आया तब से मेरा हाल बेकार हो गया है। बच्चे प्लीज मेरी मदद करो तुम लोग यार। अबे भाई साहब फिर हम क्या मदद करें, जाओ ना लॉस सैंटोस की किसी। अबे ये स्कूटी भी क्यों, ये स्कूटी आप ही की है क्या? अरे हाँ उसमें स्टैंड नहीं है, वो फिर से गिर जाएगा। अरे ठीक है मैं समझ गया। अच्छा एक काम करो, जाओ किसी पुलिस वगैरह के पास, उससे जाके मजाक करो, मेरे से मत करो ठीक है ना? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पुलिस से भी मैं हेल्प ले ली, लेकिन सर मेरी कोई हेल्प नहीं हो पा रही। पुलिस जब जब आती है वो भूत गायब हो जाता है सर। गाइस ये ना कुछ ज्यादा ही उल्लू बना रहा है, या तो इसकी तबीयत खराब है या ये मेरी तबीयत खराब करने आया। सिंचन चल यार अंदर, फालतू की बात कर रहा है ये। अरे मेरी मदद करो प्लीज सर, आप भी मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भाई साहब मैं तो चला अंदर। गाइस ये ना खाना खामे मेरे को ना उल्लू बना रहा है। चल सिंचन अंदर आ जा, और हाँ उधर से बाहर वाला गेट बंद करके अंदर घुसियो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ मैं आता हूँ। गाइस सही में अंकल यार किसी और को पागल बनाओ, मुझे को पागल मत बनाओ समझे क्या? अरे प्लीज आप लोग मेरी मदद कर सकते हो, मेरे घर में भूत है। गाइस ये तो रो रहा है, और ये रो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता वो मुझे उल्लू बना रहा है या वो सही में कह रहा है। गाइस लेकिन वो सही में कह रहा होगा तो मतलब वो सही में प्रॉब्लम में, लेकिन वो उल्लू बना रहा होगा तो सोचो यार कितनी गंदी बात है। अबे सिंचन क्या करें हम लोग? अरे यार वो जिस तरह रो रहे हैं मुझे तो लग रहा है भूत होगा, लेकिन यार मैं भूत पे बिलीव नहीं करता फेंगी भैया। गाइस बिलीव तो मैं भी नहीं करता, लेकिन यार मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस आप लोग ना बताओ मैं क्या करूं, उसकी हेल्प करूं या नहीं, यस या नो लिख दो गाइस फटाक से। अरे जहां तक मुझे लगता है हमें हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि यार हेल्प करना अच्छी बात होती है, उससे हमें यार और कोई हेल्प करेगा हमारी। चलो चलो अंकल को बोलते हैं कि हम रेडी हैं उनकी हेल्प करने के लिए यार। गाइस चलो मैं उनसे थोड़ी बातचीत कर लेता हूं, लेकिन यार मुझे लगता नहीं है हमें उल्लू बना रहा है। फ्रैंकलिन आओ, फ्रैंकलिन सर आइए प्लीज सर, मेरी मदद कर सकते हो आप, प्लीज 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 सर। अरे चलो ठीक है
मैं तुम्हारी मदद तो कर देता हूँ, लेकिन याद रखना ये कोई मजाक हुआ ना तो सोचना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। अरे हाँ हाँ, पुलिस में कंप्लेन क्या, आपको जो मर्जी हो वो कर देना, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा, उस घर में एक भूत है, उस भूत का चेहरा भी नहीं है सर। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं इन भाई साहब के साथ जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या मामला है, और मैं आपकी मदद तो कर दूंगा लेकिन बदले में क्या मिलेगा मेरे को। सर मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं तो खेती करता हूँ, अनाज उगाता हूँ, पता नहीं उस भूत को मेरे घर में ऐसा क्या दिख गया जो मेरे घर में रहने आ गया, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं दे सकता सर। चलो लेकिन मैं बाद में कुछ कर लूंगा, एक काम करो आप ना आपकी स्कूटी में अंदर रख देता हूँ, आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और सिंजन तो बीच में खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अरे गिर क्यों रहे हो? अरे वो मेरा पैर फिसल गया, लेकिन मेरे को कुछ भी हो जाए उस भूत भगाना है, वो भूत सही में बहुत ज्यादा डेंजरस है सर। गाइस ये ना भूत भूत ज्यादा ही हो गया है, अभी एक काम करते हैं, पहले इनके फार्म हाउस में चलते हैं जहाँ पे इनके घर के अंदर भूत घुसा हुआ है, और ये बता रहे कि ये फार्मर है, तो गाइस इनका घर ना काफी दूर होगा क्योंकि गाइस लॉस एंजेलिस में खेती तो होती नहीं है, होती है तो बहुत दूर में होती है, तो चलते हैं वहाँ पे गाइस और देखते हैं क्या मामला है वहाँ पर आज। अरे वही तो यार गाइस, मुझे तो भूत पे बिलीव नहीं है। अरे अंकल बताओ आपके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, बताओ बताओ। अरे क्या बताऊं, उस दिन मैं खेती करके आया, उसके बाद मैंने हाथ पैर धोया, जब मैं घर के अंदर घुसा तो मेरा पूरा सामान बिखर रखा था, और मेरा घर इतना साफ सुथरा था, सारा सामान जल रखा था, अजीब सा हो रखा था यार। अच्छा और फिर आपके साथ और कुछ भी हुआ था क्या? अरे हाँ हाँ, उसने मुझे हवा में उठाया और मुझे इतना डर लगा ना, जिंदगी में कभी डर नहीं लगा था, उसके बाद मेरे को उसने हवा में उठा के पटक दिया। अबे भाई साहब ऐसी ऐसी बातें कह रहे हो तो मुझे भी डर लग रहा है। गाइस चलो जाके देखते हैं ये सारी सारी बातें सच है या झूठ है, लेकिन यार सिंचन ये बातें सच हुई तो यार उसने हमारे साथ कुछ किया तो हम क्या करेंगे सिंचन? अरे चलो चलो देखते हैं। अरे यार कुछ नहीं होगा, वो भूत है ना, मैं उसको मार मार के असली का भूत बना दूंगा यार। अबे भाई साहब देखता हूँ तेरी बहादुरी। अरे काम करेंगे ना सिंचन, तू अकेले अंदर चला जियो, मुझे डर लग रहा है भाई साहब। अरे नहीं नहीं जाएंगे तो हम तीनों चारों जाएंगे यार। गाइस यार मैं तो डॉग हूँ, मुझे पता चल जाएगा भूत होगा तो, टेंशन मत करो तुम लोग यार। अबे भाई साहब सिंचन, अरे आपका घर का रास्ता कहाँ पर है? अरे पीछे पीछे। हाँ अरे गाइस हम लोग थोड़ा सा लेट चले गए थे आगे, एक काम करो सर, सीधे जो दिख रहा है वही मेरा घर है। गाइस आपका घर तो यार सही में बिल्कुल अकेले में, न इनके बगल में कोई घर है न इधर कोई घर है, भाई साहब सही में ये सुनसान घर है सिंचन। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने से तो कुछ अलग नहीं लग रहा यार। अबे तू भागेगा नहीं, तू मेरे साथ रहेगा ठीक है ना? अरे हाँ हाँ। गाइस यार घर में अंदर जाने से पहले हमें बाहर का मुआयना करना पड़ेगा यार। गाइस ये बात तो सिंचन ने सही बोली, एक काम करता हूँ मैं घर के अंदर ना बाहर से ही देखता हूँ। अरे यार सुनो आप मजाक मत करना मेरे साथ ठीक है ना, मुझे सही में डर लग रहा है। अरे हाँ हाँ गाइस आपको क्या बताऊँ, अगर आपने वो भूत देख लिया तो आप लोग डर जाओगे, सही में बहुत खतरनाक भूत है वो। अबे यार भूत भूत खतरनाक नहीं होते, एक मिनट रुक जाओ मुझे देखने दो। गाइस यहाँ तो अंदर कोई दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ मुझे ना सामान ना बिखरा बिखरा जरूर लग रहा है। अबे ये लाल लाल से क्या दिख रहा है? ओहो गाइस ये तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके गाइस मैं तो ना खामा खामा डर रहा था, ये तो रिफ्लेक्शन है। अरे भाई साहब यार यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा मेरे को। अरे वो दिखेगा कैसे, वो घर के अंदर है, घर के बाहर में तो कुछ नहीं कर रहा वो सर। गाइस एक मिनट गाइस, सही बताऊं तो सारा का सारा सामान ना बिखरा हुआ तो है, लेकिन यार डर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि गाइस मुझे पता है ये भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये खाम खा कोई वहम है, तो गाइस इनकी हेल्प तो हम कर देंगे, लेकिन यार सही बताऊं तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। अब भाई साहब एक काम करते हैं, अब हमें तो कौन अंदर जाएगा ये बताओ पहले। अरे यार मैं तो नहीं जाने वाला है। सर मैं तो सच में नहीं जाऊंगा, प्लीज आप जाके देख लो ना, आप सिंचन और चौप आप तीनों का तो नाम मैंने बहुत सुना है कि आप तीनों बहुत बड़े और बहादुर इंसान हो लॉस एंजेलिस के। अबे हाँ वो सब तो हम हैं, लेकिन यार जो तुम बता रहे हो ना उस मामले में हम लोग बहुत डरपोक है। एक काम करते हैं हम लोग कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। गाइस मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अकेले जाऊं या चॉप को भेजूं या सिंचन को। अरे कौन है बाहर, मेरे को सोने में डिस्टर्ब कर रहा है यार, हवा में आराम से सो रहा था लेकिन ये मुझे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, चलो जाकर देख लेता हूँ
ये घर तो काफी बढ़िया है और इसको मैंने भूतों के लिए बना दिया है। अरे यार ऐसे तो ये लोग मुझे देख लेंगे, मुझे थोड़ा गायब होना पड़ेगा। हाँ अब नहीं देख पाएंगे, चलो बाहर जाके देखता हूँ। अरे ये तो माली के घर का, ये लोग क्या करने आए यहाँ पे, इसको मैंने समझाया लेकिन ये समझा नहीं। अरे हमें से कौन जाएगा अंदर? अरे फ्रेंकी भैया हम चलते हैं, और क्या ये अंकल नहीं जाने वाले? अरे अंदर भूत है यार, मेरी बात मानो, बहुत खतरनाक है यार वो। अरे लगता है ये लोग समझदार है, ये लोग को पता है कि अंदर भूत है, लेकिन अंदर आने की जरूरत की इन लोगों ने तो इनकी खैर नहीं है। आने दो, थोड़ा मेरा भी टाइम पास ही हो जाएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ नहीं ऊपर जाकर रिलैक्स करता हूँ और भी गायब हो गया हूँ। अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा, अब कोई देखेगा तो डर ही जाएगा या बाहर ही भाग जाएगा, और ये लोग अंदर आए ना तो सही में इनकी खैर नहीं है। अरे फेंगी भाई चले चलो यार, कोई नहीं है घर में देखो। अरे वो बच्चा तो अभी वहम में है, लगता है वो अंदर आने के लिए कुछ ज्यादा इच्छुक है। आने दो, आज उसकी खैर नहीं। और मैंने उस फार्मर को पहले ही बोला था यहाँ आए ना, लेकिन वो खुद नहीं 4-5 को लेके आया। आने तो देखता हूँ क्या होता है आज। अरे किसी ने देखा, अभी वो गेट खुला था यार। गाइस वो गेट तो मैंने भी खुला देखा था, लेकिन वो है हवा से भी खुल सकता है सिंचन और चौप, ऐसे मत करो। तो गाइस अभी डिसाइड हुआ है कि मैं सिंचन और चौप जाएंगे, तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब हम लोग अंदर जाएंगे, है ना सिंचन? अरे हाँ। कितना डरपोक है यार, देखो मैं अंदर आ गया, मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा यार। गाइस अभी मैं तो अंदर आ चुका हूँ और मेरे हाथ में ये टॉर्च है भाई साहब, लेकिन पूरे घर की हालत देख रहे हो गाइस, पूरा घर ऐसा का वैसा कर रखा है। सही में यार ये नॉर्मल घर नहीं लग रहा सिंचन मेरे को। अरे यार भाई, अरे पंखा चल रहा है देखो यार। अबे यार सही बोल रहा है सिंचन, ऊपर तो पंखा घूम रहा है। गाइस मुझे सही में थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन मैं ब्रेव हूँ, मुझे डर नहीं लगने वाला, मेरे हाथ में टॉर्च है। अबे कोई है तो बाहर निकल जाओ, मैं छोड़ दूंगा, मुझे पता है गाइस यहाँ पे कोई इंसान होगा। अरे यार यहाँ वाला पंखा भी चल रहा है सिंचन, मुझे लगता है वो यहीं पे बैठा होगा और हमारे आने के बाद कहीं छुप गया होगा। अबे कोई है तो निकल जाओ यार बाहर। अरे हाँ हाँ कोई है तो निकल जाओ, हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे। अरे हाँ हाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, लगता है गाइस यहाँ पे कोई भी नहीं है। अबे फार्मर भैया यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। अरे पूरा घर तुमने खोज लिया क्या? अरे हाँ खोज लिया, अभी मुझे लगता है ना आपको किसी ने डराया होगा और वो ना भाग गया। अभी एक बार रुक जाओ, मैं ऊपर नहीं गया, ऊपर देख के आना पड़ेगा मेरे को एक बार। अरे हाँ हाँ सर एक बार ऊपर देख लो, काश वो भूत ना हो, चला गया होगा लग रहा है। अरे जाके देखता हूँ। गाइस यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं दिखा, और यार घर में लाइट वगैरह तो है, अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके देखते हैं। सिंचन चल। ओए ये क्या हो गया गाइस, लाइट कट गई? अरे यार ये तो लाइट कट गई होगी, नॉर्मल है गाइस, लाइट तो अक्सर कटती रहती है यार। अरे हाँ हाँ लाइट तो कट जाती है, लेकिन यार याद करो बहुत दिन से लाइट तो जाती ही नहीं है यार। गाइस एक मिनट पहले मेरे को ये चेक, अरे ये तो बाहर निकला यार, ये तो दूसरा वाला दरवाजा है, चलो एक बार ऊपर जाके देखते हैं। लेकिन गाइस ये घर ना कुछ ज्यादा ही गंदा है। अरे यहाँ तो लाइट है, ओ तेरी ये तो सूरज की रोशनी आ रही है अंदर यार। अरे हाँ हाँ वो तो सूरज की रोशनी आ रही है, चलो गाइस देखते हैं। और अरे यार ये कहाँ है, ऊपर जाने का टाइम आ गया, चलो चलो ऊपर चलते हैं। अरे पंखा बिना लाइट के घूम रहा है, देखो देखो। अबे भाई साहब पंखा बिना लाइट के, भाई अब सिंचन अब क्या करें? अरे नहीं यार वो ऐसे ही पहले से घूम रहा होगा सिंचन, क्यों मुझे डरा रहा है, और यार खुद भी डर रहा है तू। अरे यार ये डराने वाली बात नहीं बोल रहा है सच में। गाइस यार कितना सामान उधल पुथल है, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है यार। अबे यार चुपचाप रह, गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये टूट फूट गया होगा, चल छोड़ना ये सब कुछ भी होता है। गाइस ये ना एकदम से टूट गया होगा, अभी हम लोग बाहर चलते हैं। अबे सिंचन कोई नहीं है, चला घर चलते हैं हम लोग। अरे हाँ हाँ चलते हैं। वहाँ पे कोई, अरे क्या है वहाँ पे यार? अबे वहाँ पे कोई है भाई साहब। हाँ मुझे तुम नहीं देख पाओगे, गायब हो जाओ। अब तुम कहाँ हो? अब मैंने पहली मना किया था कि यहाँ मत आना, लेकिन तुम लोग क्यों हो यहाँ पे? अरे यार ये किसकी आवाज है? अरे कौन है यार? और गाइस यहाँ पे अभी कोई था और अब उन्हें, अरे कुर्सी हिली यार। अबे भाई साहब ये कुर्सी कैसे हिल रही है, और ये डब्बे कैसे हिल रहे हैं? अभी डब्बे नहीं, अभी मैं तुम लोग को हिलाता हूँ, मेरी पावर्स को ऑन करना पड़ेगा। 1-2 अरे यार ये क्या हो रहा है? अरे फेंग भी मैं कहाँ गया यार? अरे भाई साहब मुझे तो इसने दीवार में चिपका दिया। हो तुम्हें मैंने बोला था कि यहाँ मत आओ। अबे भाई साहब मुझे बाहर जाने दो, अब नहीं जा पाओगे तुम लोग। अरे यार ये कहाँ फंस गया मैं? अरे गाइस क्या हो रहा है, ये सारा सामान उड़ने लग गया यार। अरे अभी तो तुम भी उड़ोगे, 1 मिनट।
कहाँ गई? कहाँ? अरे मेरे से बच्चे नहीं जा पाओगे। अरे भागो भागो, अरे मैं बाहर नहीं जा पा रहा फ्रैंकी भैया, गेट लॉक हो गया यार। अबे यार मैं भी। अरे गाइस अब क्या करें? हो अब जो मैं करूँगा वो करोगे तुम। अरे आओ इधर, कहाँ गए छुपके? अरे गाइस सही में ये तो असली भूत निकला यार। अरे यार ब्लू भूत, तुम्हारा नाम क्या है? ओह मेरा नाम जानने से पहले तुम ये सोच लो तुम्हारी खैर नहीं है। बाहर निकल जाओ, ये घर मुझे प्यारा है और तुझे मैंने समझाया था फार्मर, यहाँ पे मत आइयो। अरे अरे तुम आ गए, अरे मुझे माफ कर दो यार, अरे मुझे माफ कर दो यार, मुझे माफ कर दो। इन बच्चों से मैं भागूंगा क्या? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगा इतनी छोटी सी कोशिश से? अबे भाई साहब मुझे छोड़ दो, मैंने गलती कर दी। अरे तू फ्रैंकलिन है ना, मैंने तेरे बारे में सब जानता हूँ, तू होगा कहीं का सुपरमैन, लेकिन मेरे आगे नहीं। एक काम कर, यहाँ से निकल बाहर। अबे यार जाने दो, मैं बाहर जाने दो। अरे थैंक यू भूत, तुमने मुझे बाहर कर दिया। अरे यार मजा आ गया। ओह अब अंदर आएंगे इन लोग की खैर नहीं, इनको मैंने अभी वार्निंग देके छोड़ दिया, इस बार आएंगे ना तो यूं ही हवा में उड़ा के रखूंगा इनको। अभी एक काम करता हूँ, इन लोग को छोड़ देता हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो है मेरे से पंगा लेने आए थे, लेकिन मुझे ये घर बहुत प्यारा लग रहा है। और हाँ एक काम करो, यहाँ मत आना वरना ना तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। अरे हाँ हाँ समझ गया, अब नहीं आऊंगा वरना तुम्हें। अरे ये कैसी? अरे अंकल मुझे नीचे उतार दिया यार, वरना तुम्हें ऐसी हवा में उड़ा के फेंक दूंगा। अब एक काम करो यहाँ से निकलो, जो। अरे हाँ हम चले जाएंगे, हमें छोड़ दो। अरे भाई साहब आपने कहाँ फंसा दिया मेरे को, मुझे तो लगा कोई इंसान होगा जो आपसे मजाक कर रहा होगा जब ही मैं आपकी हेल्प करने आ गया। अबे सिंचन चल यहाँ से वरना हम लोग फंस गए यार। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, मैंने तो आपको पहले। अरे यार ये देखो बम फूटा यार। अबे भाई साहब अबे आप कहाँ जा रहे हो हमारे साथ, आप नीचे उतरो। अरे यार आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो, मैंने तो आपको शुरुआत में ही बोला था कि भूत सच में है, वो तो आप मजाक में ले रहे थे यार उसको। गाइस लेकिन उस भूत ने ना हमारी ऐसी की तैसी कर दी, सही में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अभी यार मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा यार। अरे आपको तो बस अभी कमी मारा है यार, उसने देखा था कैसे कैसे पटक रहा था हम लोग को। अरे यार बिल्कुल सही बोला। गाइस हम तीनों गए थे अंदर शेर बनकर और बाहर निकल के आए चूहे बनकर। अरे यार अब क्या करें, अभी एक काम करते हैं यहाँ से पहले निकलते हैं, वो हमारी बात सुन रहा होगा ना तो भाई साहब फिर से मारना स्टार्ट कर देगा। अरे फार्मर वाले भैया चलो हमारे साथ हमारे घर में रहना और बाद में देखेंगे इस गोश्त का क्या करना है यार। अरे थैंक यू जो आपने मुझे अपने साथ रख लिया। गाइस यार आपको भूत दिखा था कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। अरे मुझे साफ साफ कुछ भी नहीं दिखा था यार, बस मैंने एक काली ड्रेस में बंदे को देखा था यार। अबे यार वो तो मुझे थोड़ा सा दिखा था, उसके बाद तो वो गायब ही हो गया था। गाइस सही में वो गोश्त ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और उसके पास पावर तो पूछो मत, इतनी ज्यादा खतरनाक है, आप लोग ने तो देखा ही। अबे यार वहाँ पे आया कैसे और वहाँ पे करने क्या आया, वो ये सब भी हमें पता लगाना पड़ेगा सिंचन। अरे यार मैं तो किसी से दुश्मनी भी नहीं रखी कि वो भूत बन के आ जाए, मैं तो आराम से अपना खेती करता था और खाना पीना खाता था, पता नहीं अचानक से कहाँ आ गया यार। गाइस सही में वो गोश्त ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, अभी यार इन फार्मर भैया की हम लोग को हेल्प करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गाइस ये उनका घर है और घर के अंदर गोश्त नहीं रह सकता। ऑल राइट गाइस अभी ना हम लोग अपने घर में आ चुके हैं, अभी यार उसे तो बचते बचाते हुए आ चुके हैं, लेकिन उसको भगाएं कैसे ये सब तो सोचना पड़ेगा हम लोग को यार। अरे यार वही तो, उसको भगाएं कैसे? गाइस आप लोगों ने देखा था वो कैसे हमें यार रूम बाइज रूम कैसे वो हमें यार भगा रहा था, एकदम उड़ा दिया था उसने आज तो यार। गाइस सही में वो गोश्त था ना हम लोग को जिस तरह बोल की तरह टप्पा होक रहा था भाई, तब टप्पा जैसे कि हम बोल हो गाइस। अरे वही तो, एकदम बोल समझ के रखा था उसने हमें, वैसे यार सही में आज तो इतना जितना डरा हूँ कभी नहीं डरा था यार। गाइस सही में आप लोग को ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि हम लोग गोश्त को भगा पाते हैं कि नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।